नया सोच नया सपने में आप सभी का स्वागत है। मैं केदार आनंद आप सबको लेके आया हूँ इंग्लिश का पार्ट फोर वीडियो, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये एक्सरसाइज तीसरा है। चलिए देखते हैं तीसरे एक्सरसाइज में क्या पर सोनू घमंडी और उदंड है। तो सोनू इज प्राउड एंड एरोगेंट। मैं थका हूं पर हारा नहीं। आई एम टायर्ड बट नॉट डिफीट। राजन और सोहन दोस्त है। राजन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तुम बहुत भाग्यशाली हो। यू आर वेरी लकी। शिक्षक ईमानदार एवं दयालु होते हैं। टीचर्स आर हॉनेस्ट एंड काइंड। फूल आकर्षक होते हैं। तो बताया गया था होते हैं, जो भी ये सेंटेंस उसमें आर लगता। तो फ्लावर्स आर अल्टरनेटिव का प्लुरल। पुस्तकें उपयोगी होती है। पुस्तकें ये प्लुरल है, तो बुक्स आर यूजफुल। मौसम बहुत अच्छा है। वेदर इज वेरी गुड। रानी अंधी और बहरी है। रानी इज ब्लाइंड एंड डीफ। उसका प्रदर्शन अच्छा है। His performance is good. लेखक जागरूक है। Writer is conscientious. शाम बहुत सुहानी है। Evening is pleasant. कुत्ते खतरनाक होते हैं। Dogs are dangerous. दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि तीसरे एक्सरसाइज को वर्ड के बारे में, अगर आप लोगों को वर्ड याद है तो ट्रांसलेशन आराम से बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को पूर्णता देखे और अच्छे से देखे और बार बार देखे, जिससे हमारी जो आपकी इंग्लिश है और इम्प्रूवमेंट होते जाएगी और इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन बताया जाएगा इसमें एक एक करके। तो आप हमारे वीडियो चैनल पर कंटिन्यू बने रहे हम, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, इस तरह से वीडियो बहुत सारा दिया जाएगा, तो उस तरह से बने रहें और इसके लिए बहुत तहे दिल से आपको